અને હવે વિગતવાર મહત્વપૂર્ણ સમાચારોથી શરૂઆત કરીએ મહેસાણાની વાત સૌ પ્રથમ જ્યાં વિજાપુર એપીએમસીની મતગણતરી હાથ ધરવામાં આવી ખેડૂત વિભાગની 10 બેઠકનું પરિણામ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે રમણભાઈ પટેલ જૂથના 4 ઉમેદવાર જીત્યા છે પીઆઈ પટેલ જૂથના 6 ઉમેદવારો જીત્યા છે વેપારી વિભાગની 4 બેઠકનું પરિણામ હજુ બાકી છે तो आपने जणावी दईए महेसाणानी विजापुर एपीएमसीनी चूंटणी योजाई अने तेनी मतगणतरी थई रही छे खेडूत विभागनी 10 बैठकनुं परिणाम जाहेर करी देवामां आव्युं छे जो कि वेपारी विभागनी 4 बैठकनुं परिणाम हजू बाकी छे अहीं रमण पटेल जूथना 4 जेटला उमेदवारो जीत्या छे ज्यारे के पीआई पटेल जूथना 6 उमेदवारोए जीत मेळवी छे वधु माहिती साथे संवाददाता तेजस फोनलाइन पर तेजस विजापुर एपीएमसीनी चूंटणीमां कोण बाजी मारी गयुं छे परिणाम स्पष्ट थई गयुं बिल्कुल निधि खेडूत विभाग की 10 बैठक थी तेनी जे छे मतगणतरी हाल में पूर्ण भागे छे विजापुर एपीएमसी की चूंटणी खेडूत विभाग की मतगणतरी पूर्ण थी एम 6 जे छे ते बैठक पर पीआई पटेल जूथ नो विजय थवा गयो छे अने साथे जे अन्य 4 बैठक छे तेना उपर रमणभाई पटेल जूथ नो विजय थयो कही शकाय के हाल में 10 बैठक नुं परिणाम आव्युं छे साथे 4 वेपारी नी बैठक नुं परिणाम बाकी छे कही शकाय के हाल में तो दबदबो पीआई पटेल जूथ नो जोवा मळी रह्यो छे परंतु आगामी 2 कलाक नी अंदर जे छे समग्र चित्र स्पष्ट थशे वेपारी विभाग ना जे बैठक नु परिणाम आवशे त्यारबाद ज खबर पड़शे के विजापुर एपीएमसी में सत्ता नु सुकान कोण संभाळे छे जी जी बिल्कुल आभार पूरी माहिती माटे तो हाल तो पीआई पटेल जूथना 6 जेटला उम्मीदवारो खेडूत विभाग नी 6 बैठकों पर जीत मेळवी रह्या छे वेपारी विभाग नु परिणाम आज में स्पष्ट थई जशे।